नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। सुभाष चंद्र बोस वार्ड में आज हम पहुंच चुके हैं और यहां पार्षद के कामकाज को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल तक इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है। तो हम अभी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में है। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, रेलवे क्रॉसिंग से लगा इलाका है और यहाँ पर हमेशा ये विवाद होता रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग से लगा इलाका है, इसलिए यहाँ पर कुछ काम जो विकास के होने थे वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। काफ़ी सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल पहले जिन पार्षद को उन्होंने जिताया था, उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया है। तो सुभाष चंद्र बोस वार्ड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान जो पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर कितना काम काज किया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, उसको लेकर कितना काम हुआ है। इसके अलावा मूलभूत सुविधा के अलावा कई सारे और समस्या वार्ड में रहती हैं, उसको दूर करने के लिए कितना प्रयास यहाँ पर वार्ड पार्षद ने किया है, वो यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अगर वर्तमान पार्षद की बात की जाए तो कांग्रेस से दिशा धोत्रे यहाँ पर पार्षद हैं और उसके 5 साल पहले बात की जाए जो राजेश धोत्रे हैं, जो उनके देवर हैं, वो यहाँ पर पार्षद थे। लगातार अपेक्षा यहाँ पर वार्ड की यहाँ पर की गई थी, लगातार ये आरोप लग रहा था। हालांकि हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे ही सीधा जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए 5 साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ है। 5 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ भैया, ना तो नाली सफाई हुआ है, ना टंकी बैठा है। और सब 10 साल हो गए हमारा महोदय जी बैठा हुआ है, अभी काम ही नहीं हुआ भैया। आप तो देख रहे हैं पानी वेस्ट। अभी कौन है पार्षद? पार्षद वही दिशा धोत्रे नाम है भैया, वो करता है। दिखाई दी है वो आता ही नहीं भैया, पूछ लो आम जनता है भैया। तो कौन काम करता है उसके बदले में? उसका क्या यार, देवर है भैया, वही करता है। लगातार ये उस वार्ड से, इसी वार्ड से लगातार उनके परिवार के लोग पार्षद बन रहे हैं। 10 साल हो गए भैया, कोई ध्यान नहीं दिया 10 साल। अब देखो भैया, ध्यान देता तो बोलने की कोई यकीन नहीं था। मंदिर पड़ा हुआ है, मंदिर को भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर भी आज से 10 साल से पहले से बोला गया था यहाँ पर कि मंदिर के लिए हर पार्षद भी आता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मंदिर वैसे के वैसे पड़ा है, नाली ना नाली बनाए, ना कुछ बनाए। वहाँ पर देखिए, वो टंकी के लिए भी बोला गया था, पानी वेस्ट होता है पर गर्मियों में दिक्कत हो जाता है, लेकिन आज तक वो टंकी भी नहीं बना। वो तो ये सब चीज़ के लिए बहुत हर पार्षद को बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं हमारा, है ना। पार्षद सीधा यहाँ से जुड़ाव रखता है आम लोगों से, समस्याओं को जानने यहाँ आते हैं वो? नहीं, जानने आते हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता इस चीज़ को, है ना। बस आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनका जो काम रहता है वो कर देते हैं, लेकिन जो हमारे जो है वो कोई हमारे सुझाव नहीं करता। क्या बड़ी समस्या है वार्ड में अभी? अभी सबसे प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहुत दिक्कत होता है, जो पानी टंकी नहीं बन रहा है। दूसरी बात, नाली का बहुत प्रॉब्लम है, जो नाली बना नहीं रहा है। और तीसरी बात है कि कई 10-15 साल 20 साल से मंदिर के लिए बहुत बोल रहे हैं अपन कि मंदिर बनवा दो, तो मंदिर के लिए भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब जैसे है वैसे ही चल रहा है, आम जनता जैसे चल रही है वैसे चल रही है जी। क्या बड़े मुद्दे होंगे दादा इस चुनाव में? जी अब मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। चीज को देखकर आप वोट देंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 10 साल लगातार एक परिवार के लोग यहाँ पर पार्षद हैं, तो कुछ काम यहाँ पर नहीं हुआ है आप ही लोग बता रहे हैं, तो आप आने वाले समय में कैसा पार्षद चाह रहे हैं? आप जो कार्य कुशल हो पार्षद, उसी को अपन वोट देंगे भैया। कार्य कुशल हो भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि धोत्रे जी अच्छा नहीं है। धोत्रे भी जी अच्छा 10 साल जीता है, मगर वो काम को रोक के बैठा है। अच्छा, नहीं किया। अब देखो ना, काम नहीं किया भैया, काम ही नहीं हुआ है। अब ऐसे बोलो ना, काम नहीं किया, काम नहीं हुआ भैया। ये बताएं जो मूलभूत सुविधाएं रहती है पानी। सर हम लोग क्या है, रेलवे की जगह में है, जो भी पार्षद बनते हैं उनका यही बोलना होता है कि रेलवे की जगह यहाँ सुविधाएं कुछ नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं। चुनाव के समय इस चीज़ तो बोलते नहीं होंगे, उसके बाद ही बोलते। हाँ, उसके बाद ही बोलते। जब भी कोई समस्या आती है, जैसे रेलवे वाले आते हैं कि वो हटा देंगे, वो कर देंगे, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो घर का हो गया ना। आज कल कहीं रेलवे वाले उठाते हैं तो पार्षद तो हाथ खड़ा कर देता है कि रेलवे जगह मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेन जो दिनचर्या की सुविधाएं हैं, जैसे नाली है, नल का पानी है, मंदिर का निर्माण है, सब रुका हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा। न टंकी का व्यवस्था कर पाए हैं, कोई विवाद होता है तो रेलवे पार्षद जो है रेलवे का जगह करके समस्या को लेकर उनके पास गए थे आप? कई बार गए हैं सर, कई बार गए हैं। क्या बोलते हैं? वो रेलवे की जगह, बस उनका एक ही वोट रहता है कि रेलवे की जगह हम कुछ नहीं कर सकते। तो वोट मांगने के लिए कैसे जवाब आते हैं रेलवे की जगह है? तो जो
महिला पार्षद है तो महिला पार्षद को कई महिलाएं जानती भी नहीं है कि दिशा धोत रहे है करके, उनका देवर ही हर कुछ करता है देख रेख। बस खाली चुनाव के समय दिखी थी वो, अब तो हालांकि उसका देवर को मिल गया राकेश धोत्रे जी को। बाकी ऐसा है कि किसी का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे के जगह करके पल्ला झाड़ते हैं, एक बात उनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो निरीक्षण करने भ्रमण करने आते हैं, आते हैं इसी घूमने के लिए आते हैं, पर हमारी जब समस्या के लेके जाते हैं जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि साल में एक आध बार तो दिखते ही है खुद ही वो मोहल्ले में, साल में एक आध बार दिखे बहुत बड़ी बात है। ये सब ठीक है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बड़ी समस्या है, लेकिन अगर बड़े भवनों की बात की जाए, क्योंकि मनोरंजन के लिए वार्ड में एक भवन, आंगनबाड़ी भवन, कोई भवन तो है किराए से चल रहा है, स्कूल को लेते हैं नहीं है उसका भवन, नहीं अलग से इसके लिए बोले नहीं है, इसके लिए तो बोले नहीं है, वही तो चल रहा है सरकारी, उसमें स्कूल में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र है ना, ऐसा है। कुछ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हैं, बताइए दाई पेंशन वेंशन मिलता है? कुछ नहीं दे तो उन्नर नहीं हुई कि नाला जाता था तारता था उन्नर नहीं हो, लड़की खड़े देख जाता था कहीं ची नहीं दे रही, न डोकरा जागा नहीं न जागा नहीं तू चले भाई न नोहल्ला ला नहीं दे पाप पेंशन ला। हाँ 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 का समस्या वार्ड में देखे था अभी चाल धर दे थे भाई 10 किलो राशन कार्ड बने हाँ बने मिलते का प्रति व्यक्ति मिलते चावल 10 किलो मिलते ये सुभाष चंद्र बोस वार्ड में कई सारी समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये वार्ड में काफी वर्षों से आप रह रहे हैं, 5 साल पहले जिस पार्षद को आपने जिताया था, कितना विकास यहाँ पर उन्होंने किया है? विकास तो नहीं की मात्रा में किया है सर, क्योंकि ना हमारे मोहल्ले में इतना प्रॉब्लम है कि आपको गिनाते गिनाते प्रॉब्लम को हम थक जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम समस्या सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेन समस्या हम लोग को पानी का भी है, और अब ये रेल पटरी जो बनेगा फिर रोड का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो हमारे पूजा वूजा करते हैं वो स्थान हमारा सुरक्षित नहीं है, है ना, इस ऐसे ऐसे कई समस्या हैं जिसको हमारे जो पार्षद जो नए पार्षद बने अभी फिलहाल हैं जो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आते हैं वोटिंग के समय बोलते हैं सभी महिलाएँ निकलिए, किस आधार से निकले उसके साथ में, हम किस आधार पे कंधे से कंधा मिला के उसके साथ हम वोटिंग के लिए बोले कि इसको वोट दो करके, हमारे यही समस्या है। अभी जो पार्षद बने वो ऐसा पार्षद बने जो हमारे हर महीना हमारे पास में निरीक्षण करने के लिए आए और हमारे समस्या समझे, वर्तमान पार्षद दिखाई नहीं देते, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देता, दिशा धोत्रे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, बस मात्र राकेश भी आता है वो बस बोलता है कि हम हैं यहाँ खड़े हैं हमको वोटिंग में साथ दीजिए, ऐसा करके बस मेरे को बोलते हैं, बस उसके बाद चुनाव में बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है सर, विकास होगा तो उसको वोटिंग देंगे हम, और विकास नहीं होगा किसी भी नेता को नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी रहे, विकास करेगा इस मोहल्ले का तो वोट का हकदार है, वरना नहीं है। अब तो नालियों की सफाई हो रही है बराबर है? नहीं होते, नाली तो है नहीं है भैया, तो सफाई काला हो ही। नाली रही से, लेकिन रेलवे वाले डबल पटरी आते वो हटा दी तोड़ दी, तो नाली हमन खुद बनाए, खुद बनाए पार्षद नहीं ध्यान दी से नाली वाली नहीं आए, हमन खुद बनाए हैं अपन अपन दुआरी तक, अब पता नहीं अब डबल पटरी यहाँ तक पर्याप्त तो मात्रा में आते है, पानी तो ठीक है पानी बहुत आते लेकिन नाली नहीं है, नाली हमन बनाए हैं खुद अपन पैसा। बताइए कैसा है यहाँ पर कामकाज, विकास हुआ है 5 साल में? 5 साल में तो आते हैं हम उनकी समय, हाँ कुछ होता नहीं है, देखते हैं उनको, जब आई थी मैडम खड़ी थी वही चेहरा देखे, अभी तक देखे नहीं है, हाँ एक बार भी देखे च नहीं है, जो समस्या पहले थी वो अभी जस की तस बनी हुई है, हाँ वैसी बनी हुई है, नाली आए पटरी वाले खोद दिए चले गए, अपना अपना नाली बना लो चाहे घर में सड़ो चाहे मरो, खुद नाली बना लिया खुद अपना गुजारा कर रहे हैं। अब क्या बड़े काम होने थे यहाँ पर जो नहीं हो पाए? बड़े काम जैसा नाली है, घर में पानी घुस रहा है, अब कितना तबीयत खराब हो जाता है, कितना गंदा पानी घुसता है, और टंकी नहीं है अच्छा सा सफाई नहीं होता है नाली, ये गंदगी तो सब कुछ होता है, ध्यान ही नहीं बिल्कुल नहीं है देते ना, नाली साफ करने वाले आते नहीं है, हाँ वही चे हाँ। आप बताइए अभी फिर वो आ रहे होंगे चुनाव प्रचार में, तो अभी किस आधार पे अब आप लोग वोट डालेंगे? अभी चुनाव है, हमारा तो कोई आधार नहीं है, हम जो नेता को अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे,
जो हमारे हित के लिए कार्य करेगा, इस मोहल्ले के लिए कार्य करेगा, उसको वोट देंगे। सारी महिलाएं यही बोल रही हैं इस समय। सुविधा ठीक है, महिलाओं को लेकर कुछ काम हुआ कि महिलाओं को लेकर भी वो उसने महिला पार्षद यहाँ पर है जी, लेकिन महिलाओं की कोई भी तरह से उसने कुछ भी कार्य नहीं किया भलाई का। उसने अपना ही कार्य किया है, जो बन गए और घर में घुसे हैं बस, और किसी महिलाओं को ये आके नहीं पूछे कि आपका समूह कैसे चल रहा है, आपके समूह में कोई फंड दिया जाए या किसी महिला को आगे किया जाए है। ऐसा मतलब उसने कोई कार्य ऐसा भी नहीं किया है जिसमें मतलब महिला होने का उसने मतलब कोई दायित्व निभाया हो। तो ये सुभाष चंद्र बोस वार्ड है, और मैं पहले भी बताया कि क्रॉसिंग से लगा ये इलाका है, रेलवे क्रॉसिंग से, और जिस तरीके से यहाँ के लोगों की बात समझ आई उसमें ही बात पता चल रहा है कि कई सारी समस्याएं इस वार्ड में हैं। यानी ये कहा जाए कि समस्याओं बार इस वार्ड में है। लोगों की ये मांग है कि जो अभी पार्षद चुनकर आए वो हमसे जुड़े रहे। वार्ड के लोगों ने सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बताया है पानी टंकी, पूरे वार्ड में भी पानी टंकी यहाँ पर नहीं बनाया गया है, जो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जैसे वार्ड के लोगों ने बताया कि जो नाली है वो यहाँ पर नहीं बनाई गई है, खुद से उन्होंने छोटी सी नाली का निर्माण कराया है। तो अंबार समस्याओं का अंबार इस वार्ड में है। और बात की जाए तो अभी दिशा धोत्रे पार्षद हैं, उसके पहले उनके जो देवर थे राजेश धोत्रे, मतलब एक परिवार 10 साल से इस वार्ड में पार्षद है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने में वो नाकाम साबित हुए हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।